यहाँ पे अंग्रेज लोग तस्करी करते थे लाल चंदन और सोने का, जो कि यहाँ एयरपोर्ट बना था अंग्रेज जमाने का, देख सकते हैं। बड़े जो सिल सॉस डालो, माय फेवरेट रेस्टोरेंट एंड ढाबा है, देख सकते। तो भाई ये है ना, अंग्रेज जमाने लोग का सोना यहीं से ले जाते थे, इसलिए ये रनवा बनाया गया था। एरोप्लेन यहाँ पे उतरता था और यहाँ के आसपास का जितने भी सोना वोना जो भी निकलता था उसको यहीं से ले जाया जाता था। देख सकते हो वहाँ से स्टार्ट है, आधा किलोमीटर होगा ना, आधा किलोमीटर तक पूरा बना है। आधा से ज़्यादा ही है, आता था। कम से कम ड्राइविंग सीखने आते हैं, अभी तो ड्राइविंग सीखने आते हैं ना, अभी तो हम खुद सीखा है कई लोग को। बोलिए भाई, फुल मूड में है आज भाई। यहाँ से जाने के बाद क्या, कौन सा मूवी जाना है आज दिल्ली में? ट्रिपल आर लगा है क्या? ट्रिपल आर लगा है भाई, कितना देखेंगे उसको, देख डाले। KGF 2 चैप्टर मैं रिकॉर्ड किया हूँ ट्रेलर, हाँ शॉर्ट्स डालो। चलेंगे फिर आज, बिल्कुल चलेंगे। 14 को है ही नहीं ना, किस्मत में है ही नहीं आज। और बाकी तो इधर सब थोड़ा शांति खोजने आते हैं यहाँ पे। हाँ चखना उखना के साथ बढ़िया यहाँ पे माल लेते हैं अपना जो भी है ठंडा गरम। हम तो सादे हैं, यहाँ घूमने आते हैं, चील मारने, गेड़ी मारने। तो देख सकते हो कि ये दिल्ली राजरा के पास पड़ता है, ये अलग चैप्टर है बाबा। डाकू कौन सा डाकू था, कोई भी मंगल सिंह। देख सकते हो यहाँ पे ड्राइविंग सीखने आ गए हैं लोग, जब भी आओ तो एक ना एक दो गाड़ी मिल ही जाती है ड्राइविंग सीखने के लिए, तो एक अच्छा जगह है यहाँ पे, देख सकते हो। तो वहाँ पे मस्त सीन चल रहा है, देख सकते हो 3 इडियट लोग बढ़िया अपना निकाल रहे हैं मस्त। गाइस आसपास पड़ोसी गांव में पूछताछ करने के बाद हमको इस जगह का पता चला है, और बुजुर्गों का कहना है कि आज से 100 साल पहले यहां पे अंग्रेज लोग तस्करी करते थे लाल चंदन और सोने का, जो कि यहां एयरपोर्ट बना था अंग्रेज ज़माने का, देख सकते हो। नीचे दिखा दे भाई, ये 100 साल हो गए इसको, और अब हवाई अड्डा कम और गड्ढे ज़्यादा दिख रहे हैं, देख सकते हो। फिलहाल तो यहाँ पर सभी लोग अपना कार बाइक या सिर्फ सीखने आते हैं, अभी भी सीख रहे हैं उधर, तो देख सकते हो। कम से कम ये 1 किलोमीटर होगा भाई, दिखा दे उधर भी, 1 किलोमीटर होगा ये, और आगे एक ड्राइविंग चल रहा है, देख सकते हो। तो बस स्टार्ट, आओ आओ ठोक दो हमको भाई। बड़े जोशीले गाइस, एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं, आज से लगभग 10 साल पहले हम जब छोटे थे, 2012 की बात है, तो यहाँ पे ना नक्सलियों का अड्डा यहाँ पे कैंप बना के रहते थे, और उधर ना अपने आर्मी वाले लोग रहते थे, लेकिन नक्सली वाले लोग क्या किए, उनका जो कैंप रहता है उसको ब्लास्ट कर दिए थे, तो एक अच्छा विवाद हो गया था, घटना हो गया था, तो वो चीज़ मैं बताना ज़रूरी समझा तो बता दिया। अभी तो ऐसे दूर दूर तक कुछ नहीं है, लेकिन आगे आप जाओगे कच्चे तरफ तो आगे आपको मिल जाएंगे कैंप, और उधर भी नक्सली का आवन जावन अभी भी चालू है, और इधर पहले था आज से 10 साल पहले, लेकिन अभी तो कुछ सुनाई नहीं दिया है 5-6 साल तक सरकार। तो देख सकते हो यार, वीडियो बनाते बनाते शाम हो चुकी है, और देख सकते हो दूर दूर तक कोई भी इंसान यार, तो 100 साल पूरा हो गए हैं अभी, गुजर के से हम पता करके आए हैं यहाँ पे आसपास गांव में, लेकिन उस टाइम का देख सकते हो रोड है ये, तो कितना मजबूत, अभी भी ये जिंदा है लगभग, देख सकते हो। वो तो यहाँ ड्राइविंग सीखने आते हैं उन लोग इसको खच्चर कर चुके हैं, देख सकते हो। देख सकते हो कितना ड्राइविंग सीखने आते हैं यहाँ पे, सामने चाचीदा ढाबा है, जो कि हम लोग का ऑल टाइम फेवरेट है। हम लोग इतने हरामी थे जब पढ़ते थे, तो यहाँ पे सर लोग के साथ आके कई बार बिरयानी खाते थे। ये हम लोग का बहुत फेवरेट रेस्टोरेंट एंड ढाबा है, देख सकते हो। इसका भी ब्लॉग आने वाला है कल परसों, इसका मैं ब्लॉग करके डालूँगा कमिंग सून। और ये आगे है दुर्ग वाली रोड, और पीछे है भानु प्रभापुर कांकेर वाली। तो आप अगर इधर से गुजर रहे हो तो यहाँ पे बिल्कुल से विजिट करिएगा, बिरयानी खासकर बहुत स्पेशल बनता है दोस्तों यहाँ। कैसे भाई? हाँ, बनता है ना।